Chan. नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की दी थी मंजूरी। एक से 6 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 10वें चरण का आयोजन। मछुआरों, जलीय किसानों और अन्य लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। विकसित गांव, विकसित भारत थीम पर झारखंड में किसान समागम। मेले में प्राकृतिक खेती, कृषि में ड्रोन का उपयोग और कृषि को उद्यम के रूप में विकसित करने सहित कई प्रमुख विषयों पर जानकारी उपलब्ध। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। रविवार को दिल्ली में रहा इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए नए साल 2024 का जश्न और खुशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु आस्था और प्रार्थना के साथ नए साल का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने आस्था और प्रार्थना के साथ नए साल का स्वागत किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। वहीं मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनता को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहना चाहिए, राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने की शपथ लेनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की समग्र प्रगति और समृद्धि में योगदान करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। २०२३ विदा हो चुका है और 2024 का आगाज हो गया है। कृषि क्षेत्र के लिए बीता हुआ साल बहुत सारी अच्छी यादें छोड़कर गया है। मोदी सरकार ने तमाम ऐसी नीतियां बनाई जिनसे देश का किसान समृद्ध और सशक्त हो सके। आइए एक नजर डालते हैं 2023 में देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की उपलब्धियों पर।
साल 2023 किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए बेमिसाल रहा। इस साल भर का आंकलन अगर हम करें तो कई तरह की योजनाएं और नीतियां न केवल केंद्र के एजेंडे में रही बल्कि अन्नदाता का आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता में भी रहा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की 65% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, जिनकी आजीविका का मुख्य आर्थिक आधार खेती किसानी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, जिससे अन्नदाता के कल्याण और विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर लाई जा सके। और अब इनका फायदा देश के गांव, गरीब और किसानों को मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। अलविदा होते साल 2023 के बारे में आकलन करें तो पूरे साल देश में किसानों को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। इस दौरान कृषि जगत को केंद्र सरकार ने कई सौगात दी। किसान प्रेरित योजनाओं का आगाज साल 2023 के शुरुआत में ही हो गया। केंद्रीय बजट में 2023-2024 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी गई और इसके बाद ये सिलसिला पूरे साल जारी रहा। साल भर में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। नवाचारों को बढ़ावा देते हुए ड्रोन तकनीक को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई और देश विदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसका लाभ फल एवं बागवानी से जुड़े किसानों को मिला। श्वेत क्रांति के बाद अब देश नीली क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। करीब 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे सहकारी समितियों की कार्यशैली में अधिक पारदर्शिता आई। भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही साथ किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों के शोषण से किसानों को राहत मिली है। देश में खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना में खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ साथ आय बढ़ रही है। देश के करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में 3 बार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता गत कई वर्षों से दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कुल 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के वक्त पर बड़ा आर्थिक सहारा बनी है। अगर साल भर का लेखा जोखा देखें तो सॉयल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुधन बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं से पूरे साल न केवल देश के अन्नदाता को लाभ मिला है बल्कि कृषि लागत घटने से किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह की साल भर में न केवल अन्नदाता के लिए कई तरह की नई नई नीतियां और योजनाएं सरकार ने बनाई बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका फायदा दिलाने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित ये प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला 1 से 6 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सागर परिक्रमा के 10वें चरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। रूपाला प्रगतिशील मछुआरों, मछली पालन करने वाले किसानों, युवा मत्स्य उद्यमियों, जलीय किसानों और लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से की गई सर्वोत्तम पहलों और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना, किसान क्रेडिट कार्ड KCC और मछुआरों के लाभ के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। सागर परिक्रमा यात्रा में मछुआरों, मछली किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ परशोत्तम रूपाला और डॉ. एल. मुरुगन बातचीत भी करेंगे। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड KCC और अन्य गतिविधियों पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू हुई थी और अब तक सागर परिक्रमा के कुल 9 चरण पूरे हो चुके हैं। सागर परिक्रमा के 10वें चरण में आंध्र प्रदेश के शेष तटीय जिलों नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम को कवर किया जाएगा। झारखंड के खरसावा में नए साल के पहले दिन किसान समागम का आयोजन किया गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान समागम कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों और स्टार्टअप द्वारा 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जो हजारों किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी रहे। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। झारखंड में किसान समागम का आयोजन किया गया। मेले में राज्य के हजारों किसान भाग ले रहे हैं और मेले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती, कृषि में ड्रोन का उपयोग जैसे अहम विषयों की जानकारी भी साझा की जा रही है। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान की ओर से। खबर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कदम बढ़ाया है। प्रदेश में अभी तक ये सिलेंडर 500 रुपये में दिया जा रहा था। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में हर दिन प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के हर गांव तक IEC वैन पहुंच रही है। इसी क्रम में मिर्जापुर के 500 गांव में मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंच चुकी है, तो वहीं फतेहपुर में बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के सुपंथा गांव में पहुंची।
इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिले के किसानों को उन्नत आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत गेहूं की फसल में ड्रोन उड़ाकर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी और 15 लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड भेंट किया। यहाँ कितना जबरदस्त उत्साह है, जैसे जैसे ये गारंटी वाली गाड़ी गांव में पहुंच रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये गारंटी वाली गाड़ी उम्मीदों का प्रतीक है और सरकार के प्रति जनता के विश्वास का भी प्रतीक है। वहीं लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ के बारे में बताया। मैं मढ़ई में रहता था, मुझे आवास मिल गया है, मैं पक्का में रहता हूँ, तो अच्छा लग रहा है। उनको धन्यवाद देता हूँ जो कि मुझे आवास मिल गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद फतेहपुर के असोथर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैमसी पहुंची। आईसी वैन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों का पंजीकरण और प्रमाण पत्र वितरित कर मौके पर ही लाभ दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई गई। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मोदी जी की जो योजना सम्मान किसान सम्मान निधि योजना है, उसका लगातार 2019 से अभी तक मुझे लाभ मिल रहा है। उससे जो 2000 रुपया मिलता है, उससे हमारे खाद के लिए, बीज के लिए, ये बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि हमें खाद बीज लेने में सहयोग मिलता है। इसके सहयोग मिलने से हमारी खेत में उपज भी बढ़ी है। पहले झोपड़ी में रहते थे, मड़ैया में मुसीबत झेल के, अब हमें सरकार में हमको लाभ खूब मिल रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, पिल्सिंग भी मिलती है, राशन कार्ड अंदोदे भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्ड मिला, इससे हम अपना दवा इलाज करा सकते हैं। 5 लाख तक का इलाज इस कार्ड में सरकार ने दिया कि आप करा सकते हो। पैसा जो हो रहा था उधर उधर करके, हमको किसान निधि का जो पैसा मिलता है वो अपनी किसानी में लगाते हैं, बीज खाद दवा सब करते हैं। ना मिलता तो उधार उधार लेकर के अपना काम करते हैं। और हमको लगातार पैसा 6000 मिल रहा है सालाने में। गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में यह यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में नाबार्ड और SFAC द्वारा 3 दिवसीय एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में देशभर से आए 50 से भी अधिक FPO किसानों ने अपने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। देश की विविधता में एकता के दर्शन कराते इस एग्री एक्सपो पर देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ यानी SFAC द्वारा कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि प्रदर्शनी में देश भर से आए 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों ने अपने स्टॉल लगाए। इस प्रदर्शनी में भाग लेने आए नाबार्ड समर्थित नैब फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभु प्रसाद ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से FPO किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। FPOs को सपोर्ट किया गया है, उनको एक मार्केटिंग एवेन्यू दिया गया है और इस माध्यम से वो मार्केट, नए मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं और जो दिल्ली की जनता है उनके लिए भी एक मौका मिलता है कि जो सुदूर कश्मीर या कहीं दूसरे जगह से रूरल एरिया से जो सामान आते हैं उनको भी देख सके, परख सके और उनको खरीद भी सके। कार्यक्रम में भाग लेने आए डालमिया भारत ग्रुप के CEO हरमित सिंह सेठी ने कहा कि देश भर से आए किसानों के जैविक उत्पाद एक ही स्थान पर मिला एक सुखद अनुभव है। दिल्ली हाट में इनके लिए स्थायी स्टॉल होना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और बेस प्रोडक्ट्स हैं, उनका यहाँ पे एक स्टेट दिल्ली के अंदर आना और हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलना देखने के लिए कि क्या चीज़ अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं यहाँ पे,
तो एक एक स्टॉल उनका परमानेंटली होना चाहिए यहाँ पे। प्रगतिशील एफपीओ किसानों के उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी में भाग लेने आई समाज सेविका पूनम ने महिला किसानों को स्टॉल कृषि उत्पादों की बिक्री करते देख कहा कि महिलाओं को इससे बढ़ावा मिलेगा। इतनी वैरायटी है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, इतनी सारी वैरायटी है, चाहे आप राइस ले लो या हनी ले लो, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, तो लगता है कि ये हेल्दी है। एज अ हाउसवाइफ लगता है कि हाँ सब कुछ यहाँ पे जो मिल रहा है सब ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, प्योर है, और इसलिए हमें लेना चाहिए। प्रदर्शनी में मौजूद नारी शक्ति की प्रतीक जानी मानी महिला शख्सियत रुचिका गुप्ता ने कहा कि महिला किसानों द्वारा संचालित एफपीओ निश्चित तौर पर नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। बहुत जगह महिला किसान भी हैं, तो महिलाएं जो हैं, क्योंकि ये इसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो उनको ज़्यादा समझती हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अगर एक महिला मिलेट बनाती है, मिलेट खिलाती है, तो परिवार के सभी लोग खाएंगे, तो इससे मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा और सभी लोगों की आदत में शुमार होगा। एग्री एक्सपो में भाग लेने आई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव सुमन चंद्रा ने कहा कि देश की विविधता में एकता की प्रतीक इस प्रदर्शनी से पहाड़ के पारंपरिक खाद्यान्न को देखकर मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस प्रकार के मेले एकता तो लाते ही हैं विविधता में, और साथ में ही हमारे कृषक दलों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना माल किस प्रकार से एग्रीगेट कर सकें। मूलतः उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर से हूँ, तो मेरी बचपन की यादें एक्चुअली यू नो कोदे की रोटी, ये यहाँ पे है कोदा का आटा, ये बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मिलेट, और राजमा, ये सबसे जुड़ा हुआ मेरा यू नो बचपन है। प्रदर्शनी में मौजूद एक मासूम बच्चे की घी और राजमा के प्रति जागृत भावनाओं ने सभी का मन मोह लिया। I love to have Himalayan ghee and also I like to have rajma. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कृषि प्रदर्शनी को देखने विदेशी मेहमान भी पधारे। भारतीय कृषि उत्पादों और इनसे बने लजीज व्यंजनों के शौकीन इन अमेरिकन नागरिकों ने इस प्रदर्शनी की तारीफ की। Indian farmers are very important. They are the main source of the food security here, obviously, and providing a lot of value for the population. The quality of the saffron here is excellent. You know, it is the smell. It is. You can tell that it is straight from the farms. It is not, you know, adulterated. Sometimes in U.S. we get this adulterated Spanish saffron. NABARD और SFAC द्वारा आयोजित इस कृषि प्रदर्शनी में स्टॉल लगा रहे FPO किसानों ने इसे बेहतर अवसर बताते हुए आयोजकों का आभार जताया। NABARD हमें हेल्प कर रहा है मार्केटिंग में। हमारी तरफ से कोशिश है कि हम जितना हो सके प्योर प्रोडक्ट लाए। NABARD की कोशिश है कि जितना हो सके मार्केटिंग के में हेल्प कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 3 साल हो गए हमें, 300 लेडीज जुड़ी हुई है हमारे साथ इसमें। सारी महिलाएं खुद काम करते हैं हम अपने हाथों से सर। इसमें बाजरे के लड्डू हैं, नमकीन है, मटर है, मट्ठी है, प्लस साथ में अचार भी है। बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, बट अब ये था कि हमें उसको यूटिलाइज करके वैल्यू एडिशन में जाना था, तो हमने कुछ प्रोडक्ट इसमें आर्मी के साथ इनिशिएटिव लेके बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनका रहा है पिछले 1 साल से। अच्छे NABARD की हेल्प से सर हमें मार्केटिंग भी मिल रही है, और उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवाया, इससे हमें बहुत सारे बायर्स मिले सर, जो B2B बायर्स मिले, और हम आज भी हमने अच्छा काम किया। ईर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसके साथ 830 किसान जुड़े हुए हैं, और 830 किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक तरीके से हमसे रोजगार ही ले रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही दिशा में जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वहाँ से हमें डिमांड मिलेगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। FPO किसानों के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी से किसानों को जहाँ अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार मिला, वहीं देश की विविधता में एकता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भी साकार होती दिखी। राजधानी नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में एग्री एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। NABARD और NCCF द्वारा आयोजित इस FPO सम्मेलन में एक और जहां देश भर के प्रगतिशील किसानों ने अपने अपने स्टॉल पर उत्पादों की बिक्री की, वहीं दूसरी ओर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी तलाशी। मेरे सहयोगी कैमरामैन पीयूष के साथ मोपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। और नए साल के पहले दिन भी पूरे उत्तर भारत में कोहरे के आगोश में रहा। दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं इंडियन रेलवे की तमाम ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते विमानों के परिचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस साल के पहले ही दिन इतिहास रच दिया। इसरो पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोज सेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे इसरो एक्सपोज सेट मिशन नाम दिया गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोज सेट के सफल प्रक्षेपण में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष हम कई अन्य सैटेलाइटों का प्रक्षेपण करने के तैयार हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का सोमवार को 66वां स्थापना दिवस है। हर साल ये दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में DRDO का बहुत महत्व है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2024 के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाकाल मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। भीड़ को देखते हुए मंदिर में VIP दर्शन बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी में नए साल के मौके पर प्रयाग घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नए साल पर श्रद्धालुओं ने घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। नए साल 2024 के पहले दिन मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु तड़के से ही दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में नए साल के पहले दिन यज्ञ का आयोजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राजनाथ सिंह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेंगे किए। इनमें 46 योग्य अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उल्फा के सचिव अनूप चेतिया ने शांति समझौते के लिए केंद्र और असम सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। झारखंड के जमशेदपुर में एक अनियंत्रित कार के डिवाइडर से टकराने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में 8 लोग सवार थे। 5 की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि 1 की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। भारत की खूबसूरत तस्वीर देखिए। भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार बुधवार और शुक्रवार सिर्फ DD किसान पर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।
बढ़ते भारत की शान।